एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो वीडियो मैं आप लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं। देखिए, सबको मालूम है टेंसेस जो होते हैं, एक्टिव टेंसेस होते हैं 12, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4-4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो पैसिव होते हैं उसके होते हैं 8। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। पहले हम एक्टिव देखेंगे, फिर उसका हम पैसिव बनाएंगे। एक्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट इनडेफिनेट में हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट V1, उसके साथ हम एस या ES लगाते हैं, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ऑब्जेक्ट लगता है। अब जो सेंटेंस बनेगा वो है मीना खाना बनाती है, मीना खाना बनाती है। अब यहां पर क्या है, बनाएंगे मीना, अब जो बनाने का काम है, एक्शन है, वो हम लिखेंगे कुक, साथ में एस आएगा क्योंकि मीना थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, मीना कुक्स फूड। ठीक है, मीना कुक्स फूड। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, मींस जब हम इसको पैसिव सेंटेंस में लेकर आएंगे, तो जो सेंस बनेगी, खाना बनाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव है ये, खाना बनाया जाता है, जाता है का सेंस आ रहा है लेकिन इसका मीनिंग गो नहीं आएगा। ठीक है, ये सेंस होती है इसकी, लेकिन इसमें खाना बना कौन रहा है ये नहीं दिखाया गया, इसमें सब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया होता। जितने भी पैसिव होते हैं उसमें सब्जेक्ट का कोई काम नहीं होता, होता भी है तो हम बाय लगाकर उसको दिखा सकते हैं कि काम किया किसने है, काम करने वाले को पैसिव में नहीं दिखाया जाता। अब यहां पर दिखाया गया कि मीना खाना बनाती है, ये एक्टिव सेंटेंस है, लेकिन पैसिव में क्या है, खाना बनाया जाता है। ठीक है, द फूड, अब इज लगाएंगे, सिंगुलर है, द फूड इज कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द फूड इज कुक्ड, खाना बनाया जाता है। आ रहा है समझ में? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फूड है, लेकिन बना कौन रहा है, जो बना रहा है वही सब्जेक्ट हुआ ना हमारा, तो सब्जेक्ट को तो हम बाद में लगाएंगे कि बना कौन रहा है, अगर दिखाना चाहते हो द फूड इज कुक्ड बाय मीना, ये आप दिखा सकते हो, जिसने भी बनाया, जिसने भी वो काम किया है वो आप बाय लगाकर दिखा सकते हैं। ठीक है ना, सेंस को समझना है हमने, इसमें ऑब्जेक्ट लगता है, इज एम आर आता है, अगर यहाँ पर कुछ और होता तो हम ज्यादा प्लूरल होता तो हम आर लगाते, आई होता तो हम एम लगाते, इस तरह से। और वर्ब की हमेशा पैसिव में आप देखेंगे आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी देखने में। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाते हैं, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट यही होता है, मीना खाना बना रही है तो मीना इज कुकिंग फूड, यही बना सेंटेंस, मीना इज कुकिंग फूड, मीना खाना बना रही है, इसमें सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है वो इसमें दिखाया गया है। लेकिन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाएंगे तो मींस खाना बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है इसमें नहीं दिखाया गया, अगर हम दिखाना चाहते हैं इसमें भी तो हम बाय लगाकर सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो कि है फूड, द फूड, उसके बाद हम लगाएंगे इज, उसके साथ हमें यूज करना होता है बींग का, द फूड इज बींग कुक्ड, थर्ड फॉर्म। ठीक है, द फूड इज बींग कुक्ड, एक्टिव मीना इज कुकिंग फूड, द फूड इज बींग कुक्ड। आ रहा है समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, एक्टिव सेंटेंस, मीना खाना बना चुकी है, कि मीन्स सब्जेक्ट है हमारे पास, जो खाना बना रहा है वो कौन है, मीना है, तो वो खाना बना चुकी है, मीना हैज कुक्ड फूड, मीना हैज कुक्ड फूड, मीना खाना बना चुकी है। अब अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो मीन्स खाना बनाया जा चुका है, किसने बनाया है इसमें हमें नहीं बताया गया, पैसिव में जो काम करने वाला होता है उसको नहीं दिखाया गया होता, बस काम को दिखाया होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको दिखाया गया है, तो मींस द फूड ऑब्जेक्ट हो गया, हैज हैव में से हम क्या लगाएंगे, हैज, उसके साथ हमें बीन का यूज करना होगा पैसिव में,
The food has been third form cooked. The food has been cooked. आ रहा है समझ में? जब मैं बोलती हूँ हमेशा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, तो इस तरह से पैसिव बनाए जाते हैं. अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, एक्टिव और पैसिव. प्रेजेंट का हमने देखा, किस किस का बनाया हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया. ये आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट का बनाया. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का किसी का भी पैसिव नहीं होता है, इसलिए मैंने यहां पर नहीं बनाया है. नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट. और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, एक्टिव और पैसिव. देखते हैं एक्टिव कैसे बनाएंगे. सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. मीना ने खाना बनाया, आएई का सेंस आ रहा है. मीना कुक्ड, सेकेंड फॉर्म फूड. मीना कुक्ड फूड. मीना ने खाना बनाया. खाना बनाया गया, ये क्या है? इसका पैसिव है. किसने बनाया? इसमें यहां पर नहीं दिखाया गया है. क्या लिखेंगे? द फूड वॉज कुक्ड. द फूड वॉज कुक्ड. द फूड ऑब्जेक्ट है हमारा. वॉज वर्ब में से हमने वॉज को लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड. आपने नोट किया होगा जितने भी पैसिव हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दिखेगी. इसमें फॉर्म चेंज नहीं होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दिखाई देगी, ठीक है ना? अगर आप दिखाना चाहते हैं कि खाना किसके द्वारा बनाया गया, मान लीजिए अगर मैं कहूं कि खाना अमन के द्वारा बनाया गया, द फूड वॉज कुक्ड, यहां पर मैं लिख दूंगी बाय और जिसने बनाया उसका नाम, ठीक है? अगर मैं अगर ये सेंटेंस बनाऊं कि खाना अमन के द्वारा बनाया गया, द फूड वॉज कुक्ड बाय अमन, जिसने भी काम किया उसको हम बाय लगाकर दिखा सकते हैं. नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस. एक्टिव देखें तो हम सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है? मीना खाना बना रही थी. मीना वॉज कुकिंग फूड. मीना वॉज कुकिंग फूड, ये सी है, ठीक है ना? अब खाना बनाया जा रहा था, ये किसका पैसिव है? पास्ट कंटिन्यूअस का. कौन बना रहा था? इसमें नहीं दिखाया गया है. तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड. द फूड वॉज बींग, ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब में से हमने वॉज को चुना, उसके साथ हम बींग का यूज करेंगे. द फूड वॉज बींग कुक्ड. अब किसके द्वारा बनाया जा रहा था? अगर आप उसका नाम दिखाना चाहते हैं तो आप बाय लगा दीजिए और उसका नाम लिख दीजिए. द फूड वॉज बींग कुक्ड बाय मीना, ठीक है? ये था पास्ट कंटिन्यूअस का. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट. एक्टिव सेंटेंस देखे तो मीना खाना बना चुकी थी. मीना हैड कुक्ड फूड. मीना हैड कुक्ड फूड, ये एक्टिव सेंटेंस है. मीना खाना बना चुकी थी. मीना हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. अगर इसका पैसिव बनाए तो खाना बनाया जा चुका था. किसने बनाया? ये नहीं मालूम. द फूड हैड बीन, हैड के साथ क्या आ जाएगा? बीन कुक्ड. द फूड हैड बीन कुक्ड. जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कुछ भी आप रीड करते हो, कोई बुक रीड करते हो, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो वो क्या होता है? पैसिव होता है, ठीक है? तो इसको समझना बहुत जरूरी है अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं अच्छे से. नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट. अब जैसा कि मैंने कहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, तो मैंने यहां पर नहीं लिखा. नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट. मीना खाना बनाएगी, ये तो हो गया इसका एक्टिव. सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. मीना विल कुक फूड. मीना विल कुक फूड, ठीक है? खाना बनाएगी. अब खाना बनाया जाएगा किसके द्वारा? ये नहीं दिखाया गया. कौन बनाएगा? नहीं मालूम. द फूड विल बी कुक्ड, ये इसका रूल है, ठीक है? ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके साथ विल बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. और किसके द्वारा बनाया जाएगा?
वो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो बाय लगाइए और इसका नाम लिख दीजिए, द फूड विल बी कुक्ड बाय मीना, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मीना खाना बना चुकी होगी, मीना विल हैव कुक्ड फूड, मीना विल हैव कुक्ड फूड, वो बना चुकी होगी, कौन बना चुकी होगी इसमें पता है हमें, सब्जेक्ट इसमें मालूम है। एक्टिव में हमेशा सब्जेक्ट दिया गया होता है, ऑब्जेक्ट भी दिया गया होता है, लेकिन पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट को दबा दिया जाता है, इसीलिए मीन्स पैसिव कर दिया जाता है उसको, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है इसमें। द फूड विल हैव, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, बीन, द फूड विल हैव बीन कुक्ड, खाना बनाया जा चुका होगा, ठीक है। एक तो ये होती है कि जाने या फिर गया का सेंस आता है, जितने भी पैसिव आप देखेंगे उसमें जाता है, जाएगा, जा चुका होगा, जाएगा, इस तरह का सेंस आता है, तो इससे भी हमें पहचान मिलती है। और सेकंड जो पहचान होती है वो होती है कि इसमें सब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया होता है, अगर दिखाना है तो बाय लगाकर आप सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं, तो वो होते हैं पैसिव टेंस, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव भी नहीं होता है, किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव जो है वो नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइज, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।